बसपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की करीब 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को मेरठ पुलिस प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटे खरखोदा में दर्ज मुकदमे में फिलहाल फरार चल रहे हैं। पुलिस के नोटिस और कोर्ट के आदेश के बावजूद तीनों में से कोई भी अभी तक कोर्ट के सामने पेश नहीं हुआ। इसी के चलते ये कार्रवाई बुधवार दोपहर को मेरठ पुलिस प्रशासन की टीम ने की। एक मुकदमा लिखा गया था 131/22 अल फहीम मेटेक्स नाम से एक अवैध रूप से मीट की फैक्ट्री संचालित थी। हाजी याकूब कुरैशी और उनके पुत्र जन हैं, उनके नाम से ये काम हो रहा था, उन्हीं की फैक्ट्री है। शुरू से ही विवेचना में किसी भी तरह का सहयोग ना किया गया उनके द्वारा और ना ही कोर्ट में सरेंडर किया गया, तो 82 के बाद हम 83 कार्रवाई कर रहे हैं। खरखोदा के अलीपुर में याकूब के बेटे इमरान की मीट फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री पर 31 मार्च 2022 को मेरठ पुलिस प्रशासन की टीम ने छापेमारी की थी। सूचना मिली थी कि फैक्ट्री में अवैध रूप से मीट पैकिंग की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने मौके से भारी मात्रा में फंगस लगा हुआ मीट भी बरामद किया था, जिसके बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया। इसी मामले में हाजी याकूब कुरैशी, उनके बेटे इमरान फिरोज और पत्नी संजीदा बेगम समेत 17 लोगों पर खरखोदा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में हाजी याकूब कुरैशी और उनके दोनों बेटे फरार हैं। फिलहाल हाजी याकूब कुरैशी की पत्नी संजीदा बेगम इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। बुधवार को पुलिस प्रशासन की टीम ने हाजी याकूब कुरैशी की कोठी और फैक्ट्री पर कुर्की की कार्रवाई शुरू की। करीब 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को पुलिस ने कुर्क कर लिया। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहा।